एक ऐसी दरगाह जहां सैकड़ों बिच्छू घूमते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो बिच्छू लोगों को काटते नहीं है बल्कि उनको अपना दोस्त बना लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के अमरोहा का हजरत सैयद शाह साहब की दरगाह की। यह दरगाह तकरीबन 800 साल पुरानी है। दरगाह में सैकड़ों बिच्छू हर वक्त यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। क्या कभी आपने हाथों में बिच्छू को रखने की कल्पना की है? नहीं ना, क्योंकि बिच्छू के काटते ही कुछ घंटों में मौत होना तय है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां हजारों जहरीले बिच्छू होने के बाद भी वह आपको नहीं काटते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक दरगाह है जिसकी धरती, छतों, दीवारों और आसपास के बगीचे के पेड़ों की जड़ों के पास से मिट्टी हटाने पर ढेरों बिच्छू निकलते हैं। करीब 800 साल पहले ईरान से सैयद सरबुद्दीन सहाय वलायत ने अमरोहा में आकर डेरा डाला था। यहाँ रह पहले से रह रहे बाबा शाहन सुरुद्दीन ने इस पर एतराज जताया और एक कटोरे में पानी भरकर उनके पास भेजा। बिच्छू वाले बाबा ने कटोरे के ऊपर एक फूल रखकर उसे वापस कर दिया और कहा, हम इस शहर में ऐसे रहेंगे जैसे कटोरे में पानी के ऊपर फूल। इस पर बाबा शाहन सुरुद्दीन ने बिच्छू वाले बाबा को बद्दुआ दी, इस दरगाह में सांप बिच्छू निवास करेंगे और शहर के खोए हुए गधे घोड़े यहाँ मिलेंगे। इसके उत्तर में बिच्छू वाले बाबा ने हुक्म दिया कि आज से इस दरगाह में सांप बिच्छू किसी को काटेंगे नहीं और इसकी सीमा के भीतर कोई भी गधा, घोड़ा, पेशाब या लीद आदि नहीं करेगा। इसके बाद सैयद सरबुद्दीन सहाय वलायत बिच्छू वाले बाबा के नाम से जाने जाने लगे। मजार के कोने कोने में चारों तरफ बिच्छुओं की मौजूदगी किसी से छिपी नहीं रहती। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह बिच्छू जहरीले नहीं है। माना तो यह भी जाता है कि दरगाह के अंदर ये बिच्छू नहीं काटते, लेकिन बाहर निकलते ही काट लेते हैं। दरअसल मान्यता यह है कि कोई इंसान इन बिच्छुओं को हफ्ते या 10 दिन के लिए बाबा से इजाजत लेकर दरगाह से कहीं बाहर ले जाता है तो वो उसे नहीं काटते, लेकिन तय मुद्दत पूरी होते ही वे उसे तुरंत काट लेते हैं। लेकिन आज तक कभी भी यहाँ आए किसी भी इंसान को बिच्छू ने डंक नहीं मारा है। मजार पर आने वाले अकीदतमंद बताते हैं कि मजार की आबोहवा ही ऐसी है कि यहाँ आने पर किसी के भी जेहन में मौजूद मनफी और बुरे ख्यालात खत्म हो जाते हैं। ये दरगाह गंगा जमुनी तहजीब की भी मिसाल है, जहाँ हिंदू मुस्लिम तबके के लोग दूर दूर से मुरादें मांगने आते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें दोस्तों के साथ और बने रहे हमारे चैनल चिश्ती रंग स्टेटस के साथ, और बेल और आइकॉन दबाना मत भूलिए। आने वाली वीडियो में हम आपको और भी दरगाह के बारे में बताएंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।